हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो आती है मैनेजमेंट की, दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड मतलब कि मैनेजमेंट का ये मकसद होना चाहिए कि वो सिर्फ अपने गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सेट किए गए हैं प्लानिंग प्रोसेस में, उन्हीं को फॉलो करे। वो अपने इंडिविजुअल गोल्स को, इंडिविजुअल एफर्ट्स को भी इस तरीके से यूटिलाइज करे कि जो उनके मैनेजेरियल गोल्स हैं वो अचीव हो सके। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू कंबाइन इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड डायरेक्ट देम टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है, करेक्टरिस्टिक होती है मैनेजमेंट की, वो यही होती है कि वो इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंबाइन करें और उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में यूटिलाइज करें। दीज गोल्स डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग गोल होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपने गोल को अचीव करने का भी अलग तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव अ प्रॉफिट मोटिव, वेयर एज अ सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन माइट हैव अ गोल ऑफ इरेडिकेटिंग इलिटरेसी अमंग चिल्ड्रन। ऑर्गेनाइजेशन का गोल, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है कि वो प्रॉफिट कम करे, वहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वर्क में बिलीव करती है उसका मोटिव हो सकता है कि वो इलिटरेसी रेट जो है चिल्ड्रंस का उसको खत्म कर सके। मैनेजमेंट रिकॉग्नाइजेस दीज गोल्स एंड एम्स टू फुलफिल देम। मैनेजमेंट को ये गोल्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है और उनको फुलफिल करना पड़ता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट की, ये क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट की। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमने एचआर को हायर कर लिया, सीईओ को हायर कर लिया, काम करने के लिए कोई हायर ही नहीं किया लोअर मैनेजमेंट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैनेजमेंट में हर जगह, हर तरह की मैनेजमेंट में, चाहे वो सोशल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, हर जगह पे मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट इज अ रिक्वायरमेंट एंड असेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, ऐसी जरूरत है हर ऑर्गेनाइजेशन की, बेशक से वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो और पॉलिटिकल हो। विदाउट मैनेजमेंट द प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वुड बी चैटिक एंड अनऑर्डर्ड। अगर मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो जो प्रोसेस होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होगा, बहुत भीड़ भाड़ वाला हो जाएगा, किसी को पता नहीं होगा क्या करना है और कोई भी ऑर्डर पास ऑन नहीं हो रहा होगा। फर्दर, इट इज इक्वली असेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस ऑल द कंट्री। और यह ऑर्गेनाइजेशन हर जगह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। However, the only difference lies in the how management is implemented within an organization. और जो सिर्फ difference होता है वो यही होता है कि किस तरीके से management implement करता है, किस तरीके से management एक organization में implemented होता है, क्या उनका strategies होती हैं, क्या उनकी staffing procedure होता है। तो इसीलिए management को क्या गया कहा गया है, एक pervasive nature में कहा गया है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वी नो दैट देर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमें पता है मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं। दीज आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अ मैनेजर परफॉर्म्स ऑल दीज फंक्शंस साइमल्टेनियसली। और अगर हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन करनी है तो वो तभी हो पाएगी जब ये सारे फंक्शन, ये पांचों के पांचों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली और साइमल्टेनियसली लगातार परफॉर्म होते रहेंगे। ऑल्दो दीज फंक्शंस आर सेपरेट, हालांकि ये फंक्शन एक दूसरे से अलग है, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद परफॉर्मिंग ऑल ऑफ देम साइमल्टेनियसली, लेकिन मैनेजमेंट को इनको लगातार परफॉर्म करना पड़ता है। Consequently, management is a dynamic and continuous process. इसीलिए management को एक dynamic और continuous process कहा गया है। I hope आपको goal oriented, pervasive और continuous process क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए next characteristic पे चलते हैं, group activity. An organization consists of large number of individuals having different reason and purpose. These individuals differ based on their needs and behaviors. Group activity क्यों कहा गया है, क्यों characteristic है ये management की, क्योंकि एक organization में बहुत तरह के या large number of individual को hire किया जाता है जिनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, जिनकी needs अलग होती हैं, जिनके behavior अलग होते हैं, जिनकी knowledge skills अलग होती हैं। ये बहुत important होता है एक organization के लिए कि उन individual को
उन इंडिविजुअल की यूजेस को, नीड्स को, बिहेवियर को एक इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। डायनामिक फंक्शन, डायनामिक फंक्शन क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू सक्सीड। आपको पता है हमारे आसपास का वातावरण, मार्केट स्ट्रेटजीज हमेशा चेंज होती रहती हैं और उसके साथ हमें चलने के लिए हमारा जो मैनेजमेंट है वो दृढ़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो चेंज ही नहीं होगी, जो उनके रूल्स हैं उसी पे चलेगी। नहीं, आपको अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को भी चेंज करना पड़ेगा, आपकी कंडीशन को भी चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो क्या होती है, डायनेमिक फंक्शन भी प्ले करती है। उसका नेचर इस तरीके से होता है कि वो कोई भी होने वाले चेंजेस को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसके अकॉर्डिंग वे दिखा देती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट की ये भी एक करेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट क्या होता है, डायनामिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच्ड और इट इज नॉट टेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को आप देख सकते और टच नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी उतनी ज्यादा आपको अच्छी तरक्की करती हुई ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी, लेकिन मैनेजमेंट कभी भी आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। एविडेंटली इफ देयर इज एन ऑर्डर इंस्टेड ऑफ चेयर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इट कैन बी इजिली सेट देयर एग्जिस्ट अ गुड मैनेजमेंट। भाई कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़ा नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉयज हैप्पी हैं और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अचीव किया जा रहा है। इसका मतलब कि उसके पीछे एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट का हाथ है। नेक्स्ट आता है मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। मैनेजमेंट के तीन डायमेंशन होते हैं। मेन पहला जो होता है दैट इज वर्क मैनेजमेंट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर कम्प्लीशन ऑफ वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटिव होता है कि वो कुछ कार्य जो दिया गया है उसको कम्प्लीट किया जाए। दिस वर्क वेरीज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स इन क्लोथिंग सेक्टर टू ट्रीटिंग पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। ये वर्क कुछ भी हो सकता है, बेशक से आपको कपड़ा बुनना हो, कपड़े को प्रोड्यूस करना हो, चाहे हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ट्रीट करना हो। मैनेजमेंट लुक्स एट दिस वर्क एज अ गोल्स टू बी अचीव। मैनेजमेंट इन कामों को किस तरीके से देखते हैं कि ये उनका गोल है और उनको अचीव करना है, एंड वर्क्स टुवर्ड्स दीज गोल्स, और उन्हीं गोल्स के अकॉर्डिंग गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करती है, काम करती है। फर्दर दिस इज डन इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, डिसीजन टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, बजट टू बी प्रिपेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइंड एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, उसके लिए डिसीजन लेना हो, प्लान एस्टैब्लिश करना हो, बजट को प्रिपेयर करना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करना हो और अथॉरिटी को भी डेलीगेट करना हो। ये सारे काम कौन करते हैं, मैनेजमेंट। इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट जो डायमेंशन आती है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट जो है वो किससे बनती है, पीपल से बनती है। उसका काम होता है कि वो दूसरों से किस तरीके से अपने कार्य को करवाती है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करती है। इसके भी फर्दर टू डायमेंशन है। पहला डीलिंग विद पीपल एज इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल लेवल पे पीपल्स के साथ डील करना, उनकी नीड्स और बिहेवियर्स को पहचानना। और नेक्स्ट जो होता है डीलिंग विद इंडिविजुअल परसीविंग एज अ पार्ट ऑफ वाइडर ग्रुप ऑफ पीपल। और या तो इंडिविजुअल को क्या कर देना, कैरेक्टरिस्टिक कर देना या ग्रुप्स में बांट देना कि अच्छा इन लोगों की नीड्स और डाइवर्सिटीज और बिहेवियर्स सिमिलर हैं तो आप इनको ए ग्रुप में डाल दो, बाकी को बी ग्रुप में डाल दो। तो एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करना है, मैन पावर को कैसे मैनेज करना है, वो भी मैनेजमेंट की ही करेक्टरिस्टिक का पार्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड जो डायमेंशन है मैनेजमेंट का दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एज एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट द कंप्लीशन ऑफ वर्क। हर ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि वो कार्य को कम्प्लीट करे, पूरा करे। दे ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड विद रिस्पेक्ट टू देयर डोमेन ऑफ ऑपरेशन। वही उनका एक और मकसद भी होता है कि जो भी कार्य वो करते हैं, जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री है तो उनका मकसद है कि टाइमली रहते वो जो फैशन में ट्रेंड है उसको मार्केट तक पहुंचा सके, अपने ऑपरेशंस पे भी ध्यान दिया जा सके। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब प्रोडक्शन प्रोसेस जो होगा और मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस पे अच्छे से निगरानी बनाए रखेगी और अपने एम्प्लॉयज को एक वे देगी, डायरेक्शन देगी कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और हमें उसको इस तरीके से पूरा करना है। इसीलिए वर्क और पीपल दोनों को साथ में लेके जो चलता है दैट कम्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आई होप आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट दी मल्टी डायमेंशनल के तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।